गाइस, ये कहानी एक ऐसी भयानक रात की है जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। ये तब की बात है जब मैं अपनी जॉब से छूटकर देर रात से अपने घर जा रहा था। तभी अचानक मेन हाईवे पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। उस ट्रैफिक को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये शायद सुबह तक नहीं खुलेगी, जिस वजह से मुझे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा और एक जगह पर बैठा रहना मुझे पसंद नहीं। तभी मुझे एक सुनसान जंगल का रास्ता दिखा। मैं बिना सोचे समझे उस भयानक रास्ते पर चल पड़ा। काली रात का भयानक अंधेरा आसपास की सभी झाड़ियों को छुपा रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी की हेडलाइट की वजह से उन सभी पेड़ पौधों और उन रास्तों को काफ़ी भयानक तरीके से मेरे सामने आ रहे थे। तभी अचानक मुझे एक परछाई दिखी। मैं थोड़ा डर गया और गाड़ी को रोकने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। न जाने क्या चीज़ थी और मैं आगे की ओर जाने लगा। फिर कुछ देर बाद एक अजीब सी चीज़ मेरे गाड़ी के सामने आ गई। दिखने में तो कोई अजीब सी आत्मा लग रही थी, चल तो ऐसे रही थी जैसे कोई जानवर हो। फिर मजबूरन मुझे अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा। फिर उसके बाद काफ़ी डरावनी और बहुत सारी परछाई मेरे गाड़ी के ऊपर मंडराने लगी और अजीब सी आवाज़ निकालने लगी। फिर जब थोड़ी देर बाद मैंने सामने देखा तो वो चीज़ कहीं गायब हो गई। मैं बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी को तेज़ भगाने लगा, जिस वजह से मेरी गाड़ी काफ़ी गर्म होकर बंद हो गई और मैं उस खौफनाक बीच रास्ते में ही फंस गया। आगे और पीछे दोनों तरफ अंधेरा था। मैं सोच में पड़ गया कि गाड़ी के बाहर जाओ या ना जाओ, क्योंकि जब तक गाड़ी में पानी नहीं डालूंगा तब तक वो चालू नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी बहुत ही गर्म होकर उसमें से धुआं निकल रहा था। फिर हिम्मत करके मैं गाड़ी से बाहर आया। बाहर आते ही जो मैंने देखा वो सच में मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक भयानक दिखने वाली औरत मेरे सामने आ गई, कुछ कर नहीं रही थी, बस मुझे घूरे जा रही थी। डर इस बात का नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस बात का था कि अब वो औरत क्या करेगी, क्योंकि वो औरत चुपचाप वहाँ पर खड़ी रही, ना ही आगे जा रही थी ना ही पीछे जा रही थी, बस मुझे घूरे ही जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ दिख रहा था। मैं डर के मारे फिर से अपनी गाड़ी में बैठ गया और अचानक मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया और वो औरत वहीं पर खड़ी थी और वहाँ खड़े खड़े मुझे ही घूरे जा रही थी। काफ़ी अजीब बात थी, उस औरत ने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन उसका चेहरा काफ़ी डरावना था। फिर मैं आगे की ओर जाने लगा और जब आईने से मैंने पीछे की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मेरे अंदर के डर की सारी जिज्ञासा चली गई और मेरी जान में जान आई, और फिर मैं उस भयानक रास्ते को क्रॉस करके अपने घर की ओर निकल पड़ा और अपने घर आकर आराम से सो गया।